हेलो दोस्तों, अयोध्या में मंदिर तैयार हो चुका है। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज गई है। राम लल्ला की मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब तो बस इंतजार है 22 जनवरी का, क्योंकि 500 सालों बाद हमारे प्रभु श्री राम जी को उनका नया घर मिल गया है। ये सभी हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बल्कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रामलला के आने की खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि रामलला बने इस भव्य मंदिर में विराजेंगे के जिधर देखो सिर्फ खुशी का ही माहौल है। पूरे देश की नजर सिर्फ इस समय अयोध्या पर है। अब सवाल ये भी आता है कि रामलला की बनी 3 मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी। आखिर कब बनेगी अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। और पीएम मोदी जी ने सभी देशवासियों से क्या अपील की और अयोध्या में ऐसा क्या हुआ चमत्कार जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। उससे पहले राम लल्ला के भक्त होने के नाते हमारे चैनल रंजीत के ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। 3 मूर्तियां और 3 कलाकार और 500 सालों की मेहनत आज रंग लाई है। मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में राम लल्ला की बाल रूप की 3 मूर्तियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब बस देरी है तो 22 जनवरी का, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मूर्तियों के हर बारीकी पर ध्यान दिया गया है, जिसमें कि राम लल्ला की 5 वर्षीय मूर्ति बन गई है बाल अवस्था की। अब जल्द ही सभी भक्तों को दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त होंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपको एक हैरानी की बात बता दूं कि अयोध्या में अचानक कहीं से गिद्धों का झुंड पहुंच गया, जो कि आज के समय में विलुप्त हो चुके हैं। ये नजारा देख वहां के सभी लोग भी चौंक गए कि अचानक इतनी सारी पक्षी कहां से आ गए। और मैं आपको बता दूं कि इन गिद्धों का दर्शन कर वहां के लोग एक अलग ही खुशी का माहौल पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि शहर के हर एक कोने को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और इसी बीच पीएम मोदी जी ने भी सभी भारतवासियों से अपील भी की है कि वे 22 जनवरी को अपने घर में एक दिया जरूर जलाएं और एक बार फिर से पूरे भारत में 22 जनवरी को दीपावली मनाई जाए। और आज के समय की बात करें तो अयोध्या में नए हवाई अड्डे और नए रेलवे के साथ साथ पूरी अयोध्या बदल चुकी है। आज पूरी दुनिया में अयोध्या का नाम हो रहा है। बाकी आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।